हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि किस तरह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग जगह पे है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाइल डिस्कसिंग द नेचर और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ नेसेसरी टू नो द नेचर ऑफ इकोनॉमी बिकॉज द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डिफरेंट इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। कि जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमें इकोनॉमी, मतलब कि वो कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उसके बारे में देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग नेचर होते हैं। जनरल इन डेवलप कंट्रीज़ लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड एंड रिजल्टेड ट्रेड साइकिल क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। कि यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ में प्रॉपर डिमांड नहीं होती है और ट्रेड साइकिल जो होती है ये कभी प्राइस बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है, तो वो मोस्टली शॉर्ट टाइम की होती है। दिस इज़ द डेवलपिंग कंट्रीज जनरली वी फॉर्म द साइक्लिंग एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सीजनल कहीं कहीं कभी कभी साइक्लिंग, मतलब कि जैसे ट्रेड साइकिल में कैसे कभी प्राइस बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, इसी तरह से डेवलपिंग कंट्रीज में भी अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह की दिखाई देती है। व्हाइल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेबर सप्लाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, बट ऑन द अदर हैंड द स्ट्रक्चरल लिमिटेशन एम्प्लॉयमेंट रेट राइज इन द लोअर पेस विच गिव्स अ राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कि यहाँ पे हमारे इंडिया जैसे कंट्री में एक तो पॉपुलेशन बढ़ती है और प्लस में लेबर सप्लाई बढ़ता है, बट प्रॉपर उन्हें लेबर जो एक स्ट्रक्चर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता और उनके कारण वो काम भी ना के बैठते हैं। एंड इट मींस अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज स्ट्रक्चर इन द नेचर फॉर द लॉन्ग टाइम। कि ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को हम तुरंत ही सॉल्व कर सकते, बट उसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया जैसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग टर्म है। उसके कारण उसे हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं कि हम सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं चेंजेस लेके, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है अगर उनमें हम चेंजेस लेके आते हैं या उनमें हम तो एक मॉडिफाइड अगर हम करते तब हमारी कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। तो नो द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट इंडिया 2011-12 हैज रिपोर्टेड 4 मेजर। क्या वो यहाँ पे हमारे जैसे कंट्री में एक बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा है, तो उसको मेजर करने के लिए 4 मेजर्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज टाइम, इफ़ एनी पर्सन हैव विलिंग टू एंड कैपेसिटी टू वर्क बट ही डज नॉट गिव वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक ही सेड टू बी इंसेंटिवली अनएम्प्लॉयड। कि अगर कोई पर्सन को काम करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है और उसकी कैपेसिटी भी है, बट उसे पूरे वीक में 7 डेज में अगर उसे 28 आवर्स तक का भी काम नहीं मिलता है, दैट मीन्स इट विल बी सेड अ अनएम्प्लॉयमेंट। But those who are employed for more than 28 hours but less than 42 hours is to be considered as a less intense employee, unemployed। कि जिनको 28 weeks से ज़्यादा but 42 weeks से कम अगर काम मिलता है तो वो less intense employed कहा जाता है। Second is income, when a person get very less income which cannot solve the problem of his poverty, then the from the income point of view he is poor। In rural India especially this type of poverty is seen। कि यहाँ पे इनकम के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि अगर वो उसको काम तो मिला है पर्सन को, बट वो जो इनकम है उसकी सफिशिएंट नहीं है कि वो उसकी जो एक डिमांड्स है, जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर सके, तो वो भी हम एक पुअर्टी का ही टाइप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, उसे 30,000 चाहिए उसकी फैमिलीज़ की उसकी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, बट उसे खाली 15,000 या उससे कम मिलते, तो वो एक टाइप उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट ही हुआ या पुअर्टी ही हुई। थर्ड पॉइंट इज विलिंगनेस, व्हेन अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर गेटिंग जॉब बट ही और शी डज नॉट गेट जॉब एज पर हिज एलिजिबिलिटी एंड एक्सेप्ट लोअर कार्डर जॉब, देन ही गेट वेरी लेस इनकम फॉर दिस जॉब, देन ही इज अंडर एम्प्लॉयड इफ सी इज गेट अ वर्क ऑफ क्लर्क। अब यहाँ पे कोई एक पर्सन है कि जो एलिजिबल है, उसके पास अच्छी मतलब कि एक डिग्री भी है, काम करने की इच्छा भी है, बट वो उसे उस एरिया से, उस क्राइटेरिया से निचले कक्षा की जॉब मिले या उसकी इनकम कम हो, तो वो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि उसे उसकी लोअर लेवल की इनकम मिल मतलब की जॉब मिलती है वो। फोर्थ इज प्रोडक्टिविटी,
When a labor is working with a less than its actual productivity, then production is less than its productive capacity. कि suppose कोई person है कि उसे उसकी capacity से कम में काम करना पड़ता, that is also called a unemployment. कि suppose कि कोई person जो है उसकी capacity है कि वो 20 meter cloth जो है एक दिन में बना सकते हैं, but उसे काम खाली 10 meter cloth का मिला, तो वो भी एक unemployment का ही part होता है. अब हम यहाँ पे ये जो roads दी गए उसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि unemployment के कौन से types यहाँ पे हैं. तो first यहाँ पे हमें unemployment का type दिया हुआ है कि open unemployment. वो करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि open unemployment आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है. इट इज़ नॉट अ जो हमारे गवर्नमेंट ने सिलेबस कट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमें नहीं पूछने वाला है. बट आपको नॉलेज के लिए हम यहाँ पे करेंगे. दोज इंडिविजुअल हु आर रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट एंड पॉजिटिव क्वालिफिकेशन टू बट डू नॉट गेट एनी जॉब आर सेड टू बी फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड. कोई पर्सन जो उसके पास डिग्री है, नॉलेज है, अच्छा काम करने की इच्छा, बट फिर भी उससे काम नहीं मिलता है, एज अ रिजल्ट वो फुल्ली अनएम्प्लॉयड कहा जाता है. कि ये जहाँ पे लेबर, ये सिचुएशन कब आती है कि जब लेबर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होता है. और इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली कहाँ पे दिखाई देती है कि जो लोग विलेज से सिटी की तरफ आते हैं काम करने के लिए. और मोस्टली ये टाइप जो है वो क्यों आते हैं, क्योंकि विलेज में उन्हें काम नहीं मिलता है, वो काम करने के लिए सिटीज़ में आते हैं बट सिटीज़ में भी उन्हें प्रॉपर काम नहीं मिल पाता है. पीपल विथ ओपन unemployed cannot work and cannot get work, but such a people consume goods and spend. Hence they may become a burden and reason for low productivity. कि वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर लेते बट उन्हें प्रॉपर जो जॉब मिलनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें वो काम नहीं मिलता है. और ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली सीन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 ईयर्स. अंडरलाइन कर लीजिएगा. टू गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट. स्टिल देर आर थ्री मेथड्स. कि अगर हमें पता करना है कि कितने लोग ओपनली अनएम्प्लॉयड है, कि जिन्हें बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है, उसे मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. बट यहाँ पे थ्री एक मेजर्स दी गई कि जिसके ऊपर से हमें पता चल सकता है. फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या सैंपल सर्वे से या लेबर सप्लाई से या थ्रू सेंसस से भी हमें पता चल सकता है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट ओपनली अनएम्प्लॉयड है, उसके बारे में यहाँ पे हमें इजीली नॉलेज जो है वो मिल सकती है. सेकेंड टाइप हमें यहाँ पे दिया हुआ है अंडर एम्प्लॉयमेंट. वो भी आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है बट हम समझेंगे उसके बारे में. व्हेन अ लेबरर कैन नॉट यूटिलाइज देयर कैपेसिटी फुली इन सर्टेन पीरियड एक्सेप्ट लेस कैपेबल जॉब इज गेट अंडर एम्प्लॉयमेंट. मतलब कि कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो उन्हें उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं मिल रहा हो या बहुत ही ज़्यादा कम काम मिल रहा हो, दैट इट दे आर कॉल्ड अ अंडर एम्प्लॉयमेंट. उसे काम करने की इच्छा भी है, उसे जॉब भी मिला है बट उस जॉब से कम, उसकी जो कैपेसिटी उससे कम में कोई उसे काम मिलता है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है. फॉर एग्जाम्पल अर अ लेबरर इज़ अ वर्किंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर लेट्स गेट ओनली वर्क ऑफ 5 hours इंस्टेड ऑफ 8 hours ही इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयमेंट. कि अगर 8 hours काम करने के बदले उन्हें खाली 5 hours का ही काम मिला तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है. रूरल इंडिया इन अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में रूरल एरिया में जो गाँव में जो सीजनल काम होता है वो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट का ही काम है. कि वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट स्लो हुआ है, वहाँ पे सीजन भी काम नहीं करती, इसलिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है. और मोस्टली एग्रीकल्चर फैसिलिटीज एग्रीकल्चर से वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कहीं ना कहीं सीजनल नेचर जो है वो आ जाता है. इसलिए कारण हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ज़्यादा दिखाई देती है. सिमिलरली मेनी इंडिविजुअल डू नॉट get job according to degrees, they accept degraded job as a called underemployment. कि अगर उन्हें कोई पर्सन ऐसे हो कि जिन्हें उनके डिग्री के अकॉर्डिंग भी काम नहीं मिलता तो वो भी क्या है, अंडर एम्प्लॉयड पर्सन ही कहलाते. कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंजीनियर जो है वो गैरेज में काम करे दैन इट विल बी सही अब अंडर एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद थर्ड टाइप हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि disguised unemployment. Disguised unemployment means hidden employment. This type of employment is very common in developing like India. कि यहाँ पे जहाँ पे हमें पता ना चले कि इस तरह से काम छुपी तरीके से जो unemployment होती है, that is called a disguised unemployment.
मीनिंग इन एनी एक्टिविटी इफ टू एनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयड इन अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हेन फ्यू पर्सन्स आर रिमूव फ्रॉम द वर्क द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट चेंज देन देयर आर एग्जिस्ट डिस्कस्ड एन एम्प्लॉयमेंट कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कोई पर्सन है कि जो एक साथ बहुत ही ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट में काम करते हैं बट हम उसमें से अगर हम कुछ पर्सन्स को निकाल दें फिर भी प्रोडक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आता देन इट विल बी कॉल्ड द डिस्कस्ड एन एम्प्लॉयमेंट इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज गिवन द रिसोर्स ऑफ एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इन ओवर पॉपुलेटेड डेवलपिंग इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर हैज जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देन कंट्रीज आर सेड टू बी डिस्कस्ड एन एम्प्लॉयमेंट की प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्कस्ड एन एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू अबोव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट हैज़ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ अ मार्जिनल जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कि अगर हम उन पर्सन्स को निकालते थे तो भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कहीं पर कोई भी चेंज नहीं आता दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पॉपुलेशन इज कंस्टेंटली इंक्रीज हिंस पॉपुलेशन डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट But in India, poor development of sector other than agriculture puts heavy burden on agriculture sector for employment. If the surplus labor are removed from the agriculture sector, then also agriculture production will not decrease. Means कि यहाँ पे हमारे जैसे इंडिया इंडियन कंट्री में जो पॉपुलेशन जो बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली बढ़ रही है और उनकी डिमांड भी बढ़ रही है बट उनकी वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत ही सारे लेबर्स काम करते हैं अब अगर हम उनमें से किसी कोई वर्कर्स को निकाल दें तो भी टोटल प्रोडक्शन में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता है दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज अ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उस लेबर की ज़ीरो होती है तो वो क्या हो जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड सपोज कि कोई एक फील्ड है जहाँ एक हम बोल सकते हैं कि खेत है जहाँ पे 10 वर्कर्स काम करे बट 10 वर्कर्स के बदले हम 8 वर्कर्स रखें तो भी हमारा काम हो सकता है तो जो 2 वर्कर्स हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी ज़ीरो होगी कि अगर उन्हें हम निकालते तो भी हमारे प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़ ऑल्सो इन इंडस्ट्रीज अ बिजनेस यूनिट दिस काइंड ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज सीन कि यहाँ पे बिजनेस हम खाली गाँव की बात नहीं कर पाए अगर सिटीज़ में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलती है और लेबर्स जो क्या करते हैं वो उनकी फैमिली को भी लेके आते कि ताकि जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और उन्हें वेज भी मिले उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी मिले बट अगर उन्हें हम हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में से निकाल देते तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कि जो हमें दिखाई नहीं देती बट हम उस फील्ड में से उस जगह में से कुछ वर्कर्स को निकाल दें तो भी हमारे प्रोडक्शन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल इफ 10 हेक्टर लैंड इज टू ऑप्टिमली यूज देन मैक्सिमम 5 लेबर्स कैन बी एम्प्लॉयड बट ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ वर्क एनी वे एल्स अदर द 3 मेंबर ऑफ फैमिली ऑल्सो ज्वाइन द सेम वर्क बट इवन आफ्टर दे ज्वाइन द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज एट ऑल देन द अदर 3 लेबर्स आर कॉल्ड डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड कि यहाँ पे हमें एग्जांपल क्या देखिए एक 10 हेक्टर जो लैंड है ज़मीन उसमें हमें मैक्सिमम 5 लेबर्स को हमें काम देना बट कोई भी काम नहीं होने के कारण उसी लेबर्स की फैमिलीज में से 3 मेंबर्स और भी ज्वाइंट हो जाते हैं काम करने के लिए बट उनके ज्वाइंट होने के बाद भी कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है दैट मीन्स कि उनका वो 3 मेंबर्स ज्वाइन हुए फिर भी जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो एज इट इज़ रह रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड दिस पर्सन्स दिस लेबर्स आर कॉल्ड डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड दैट मीन्स कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है और अगर हम हमारे बिजनेस में से या हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में से उन्हें निकाल देते हैं तो भी हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है तो दैट इज़ अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमें यहाँ पर दी गई है अनएम्प्लॉयमेंट इन द कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी इन्वेस्टर एंड सेविंग क्लासेस आर डिस्टिंक्ट क्लास एंड सो दैट क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम एज अ रिजल्ट समटाइम इकोनॉमिक फेस अ प्रॉस्पेरिटी एंड समटाइम डिस्प्रेशन कि यहाँ पे हम डेवलप कंट्रीज के नाम लें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स और सेविंग क्लास वाले लोग होते और एज अ रिजल्ट कभी कभी वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉस्पेरिटी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर हो जाते कभी कभी वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते
ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी देर इज़ अ हाई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन इनकम एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी के फेसेस में क्या होता है कि इनकम ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, और एज अ रिजल्ट गुड्स एंड सर्विस की जो डिमांड भी बढ़ती है। और एट द सेम टाइम अगर डिप्रेशन आता है तो वो गुड्स एंड डिमांड सर्विस की डिमांड कम हो जाती है, इफेक्टिव डिमांड नहीं होती, इंटरेस्ट इसमें प्रोडक्शन कम हो जाता है, कभी कभी कोई प्रोडक्शन बंद भी हो जाते हैं, और उस इंडस्ट्रीज बंद होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है दैट इज़ कॉल्ड अ साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो हम साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जो ट्रेड साइकिल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट जो भी डिपेंडेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड अ साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड अ साइकिल और डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। अमेरिका एक्सपीरियंस सेवरल डिप्रेशन ड्यूरिंग द 1920 to 30 एंड इट्स इफेक्ट वॉज फेस्ड बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज़ वाई डिप्रेशन वॉज नोन एज अ ग्रेट डिप्रेशन। प्रेजेंटली ऑल्सो सम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका इंग्लैंड फेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पे अमेरिका ने 1920 to 30 में एक ग्रेट बोल सकते हैं कि बड़े डिप्रेशन में से वो बाहर निकले, इसलिए उसे हम ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, गुड्स एंड प्राइस की गुड्स की जो प्राइस है वो कम हो गई थी, और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट जो वो जनरेट हो गई थी, और उसी के कारण बहुत सारी कंट्रीज जो अमेरिका इंग्लैंड ये सारे लोगों ने भी यही सिचुएशन को फेस किया है, और कभी कभी डेवलप कंट्रीज जो है वो भी इसी फेस को जो हम बोल सकते हैं कि इसी टाइप की सिचुएशन को वो फेस भी करते हैं। इन इंडिया ड्यू टू कैपिटलाइज्ड मार्केट मैकेनिज्म एवरी नाउ एंड देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन। इंडियन डायमंड इंडस्ट्रीज फेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि यहाँ पे कैपिटलाइज मार्केट जो होता है वहाँ पे इस तरह के साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिखाई देती है, और ये मोस्टली डायमंड फैक्ट्रीज में ज़्यादा दिखाई देती है इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट द स्टेट शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैक्सिमम पीपल एंड ट्राई टू इंक्रीज देयर इनकम लेवल। With increase in income, effective demand will increase and production will increase. With the increase of production, employment will increase. As a result, problem of cyclical unemployment is reduced. कि आप इस problem को solution लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा investment जो है वो productive and development activities में करना चाहिए। अगर हम productive activities में करते हैं तो employment generate होती है, और employment generate होगी तो उनका income level बढ़ेगा तो उनकी demand बढ़ेगी, और demand बढ़ेगी तो same it is उस goods की प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से पूरी साइकिल जो है वो चलेगी, और ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन जो है वो इजीली आ सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया गया है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। When in the production process, because of changes in demand or production, or due to change in the taste and preference or new technology, new goods enter in the market and unemployment arises, then it's this unemployment is called a frictional unemployment. कि मतलब कि production process के कारण या कहीं technology के changes के कारण या कहीं ना कहीं लोगों की lifestyle change के होने के कारण जो unemployment generate होती है that is called a frictional unemployment. अब developed countries में जो ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम को रिप्लेस करके न्यू प्रोडक्शन सिस्टम लेके आते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम के जो काम करते हैं, जो पुराने वर्कर्स होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और एज अ रिजल्ट वो क्या होता है कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उन्हें वो काम बोलते हैं कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाते, और एज अ रिजल्ट इस तरह की जो वो उस प्रोडक्शन एक्टिविटी में से वो निकल जाते, और इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होती है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम की होती है। व्हेन स्मार्टफोन रिप्लेस द ओल्ड मशीन फोन देन द लेबर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन सेल्स एंड सर्विस ऑफ ओल्ड मोबाइल फोन बिकम अनएम्प्लॉयड। दिस इज़ अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहले वो टेलीफोन जो आते थे उनको हमने रिप्लेस करके मोबाइल फ़ोन लेके आए, तो ये मोबाइल जो इससे पुराने टेलीफोन बनाने वाले जो वर्कर्स थे वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रिक्शनल
अनएम्प्लॉयड, तो यहाँ पे इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है कि जो अलग अलग टाइप से हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है, वो हमने यहाँ पे देखा किस तरह से अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होती है। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं सेक्शन सी के और सेक्शन डी के, वो आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।